केंद्र व राज्य सरकारों की मजदूर विरोधी एवं दमनकारी नीतियों के विरोध में हमीरपुर में भारतीय मजदूर संघ ने मोर्चा खोलते हुए डीसी हमीरपुर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के जिला प्रधान तिलक राज शर्मा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने मांग पत्र डीसी को सौंपा है। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर मांग पत्र सौंप कर मांग की गई कि अगर जल्द वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है तो कड़ा कदम संघ को उठाना पड़ेगा। भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मजदूर विरोधी एवं दमनकारी नीति को देश में लागू करने जा रही हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। साथ ही श्रम कानूनों को 3 साल तक स्थगित करने और काम की अवधि को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण करना, लॉकडाउन के कारण कार्यों से वंचित मजदूरों को वेतन भुगतान न होना, प्रवासी मजदूरों को समुचित सहायता प्रदान न करना इत्यादि मांगे हैं, जिन्हें जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सुनवाई नहीं की जा रही है, जिससे कर्मचारी रोजाना पीस रहे हैं। तिलक राज शर्मा ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ सबसे बड़ा संगठन है और देश हित के लिए काम करता है, लेकिन सरकार की वजह से इस संघ को दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द सरकार संघ को वार्ता के लिए बुलाए ताकि समस्याओं का हल हो सके। भारतीय मजदूर संघ केंद्र नेतृत्व के आह्वान पर आज जिला काई हमीरपुर माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो जो कर्मचारी दमन नीतियाँ, श्रमिक दमन नीतियाँ, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो बराबर कर्मचारी विरोधी नीतियाँ जो है वो अपना रही है, श्रम कानूनों में बदलाव किया और जो काम करने का समय था वो 8 घंटे से 12 घंटे बढ़ा दिया, ठेकेदारी प्रथा को आए दिन बढ़ावा देना और फैक्ट्रियों में जो कर्मचारी हैं उनको निकालना, जैसे पहले 100 लोग काम करते थे, आज की डेट में वो 50 लोग 40 लोग काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को निकालना और सरकार जो है वो आए दिन कर्मचारी विरोधी और मजदूर विरोधी निर्णय ले रही है। भारतीय मजदूर संघ केंद्र नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे भारतवर्ष में अपना ज्ञापन भेज रहा है और मांग करता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि अगर भारतीय मजदूर संघ की डिमांडों के मुताबिक जो हमारा मांग पत्र है उसके मुताबिक अगर सरकारें वार्ता के लिए नहीं बुलाते हैं या इन जो कर्मचारी विरोधी नीतियां, मजदूर विरोधी नीतियां इनको वापस नहीं लेती तो मजबूरन भारतीय मजदूर संघ को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और इसका सारा जो है जो जिम्मेवारी होगी वो केंद्र सरकार की होगी और राज्य सरकार की होगी कि हमारे राज्य सरकार में जो आउटसोर्सिंग नीति है, विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारी रखे जा रहे हैं, उनके लिए स्थायी नीति कोई नहीं है। आज 2.5 वर्ष जो है वो सरकार को बने हुए हो गए, लेकिन मैं तो कहूंगा कि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज जो राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ से संबंधित, भारतीय मजदूर संघ से संबंधित एनजीओ फेडरेशन ने 56 सूत्रीय मांग पत्र जो है पिछले लगभग 1.5 वर्ष से जो है वो सरकार को सौंप रखा है, लेकिन बार बार आग्रह करने के उपरांत भी उस 56 सूत्रीय मांग पत्र पर भी कोई वार्ता नहीं हुई, क्योंकि आए दिन जो है वो कर्मचारियों में रोष पनप रहा है। जितनी देर वार्ता के लिए करेंगे उतनी समय तक जो है वो सरकार ना तो वो कर्मचारियों के भले में है ना तो सरकार के भले में है। मैं तो कहूंगा कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ एक ऐसा संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा संगठन और निस्वार्थ भावना से काम करने वाला संगठन है, सबसे पहले देश हित में काम करता है, लेकिन आज भारतीय मजदूर संघ एक श्रमिक सबसे बड़े श्रमिक संगठन को है वो भी सरकार दरकिनार कर रही है और वार्ता के लिए नहीं बुला रही है।